कांग्रेस से 6 सालों के लिए निष्कासित किए गए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब कांग्रेस पार्टी को ही घेरे में लिया है और पूछा है कि उनकी कौन सी गतिविधि थी जो पार्टी विरोधी थी और यही वजह रही कि उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। कई बातों का उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिक्र किया है। कांग्रेस से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किए गए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा है, सुनिए। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे कांग्रेस से मुक्ति देने का फरमान जारी किया। मेरी प्रबल इच्छा है, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था तो एक राम भक्त को 6 साल के लिए क्यों निकाला जा रहा है, इसको 14 वर्ष कर दिया जाए। तो वहीं कवित्री अनामिका अंबर ने भी आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस से बाहर निकालने पर सवाल खड़े किए हैं। अनामिका अंबर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रमोद कृष्णम के लिए कांग्रेस का व्यवहार बताता है कि वो आज किस वैचारिक स्थिति में पहुंच गई है। तो वो पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम बातों का जिक्र किया है अनामिका अंबर ने और उन्होंने किन बातों का जिक्र किया आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उन्होंने कहा है, उन्होंने लिखा है कि तुम आयनों से भी चेहरे बदल बदल के मिले, तमाम बातों का जिक्र, कहां छुपोगे कि अब आईने की बारी है। आचार्य प्रमोद के प्रति जो व्यवहार है आप देखिए किस तरह से कांग्रेस की मौजूदा स्थिति बताती है, साथ ही साथ भारत में रहकर भारत की आत्मा को नहीं समझा गया अनामिका अंबर का किस तरह से कांग्रेस पर निशाना, ये चूक कांग्रेस को किस रसातल में ले जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। Zee News।